जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। हाँ भाई सही है, मैंने तो शुजा को पहले ही कह दिया था मैं किसी गैर के बच्चे नहीं पाल सकता। अम्मी जान आजकल अपने बच्चे पालना मुश्किल है, अभी काम कर बताओ। ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे आप ऐसे ही शौहर के हकदार थे उल्फत बाजी, अच्छा हुआ उल्फत भाई जान की जान छूटी। आप अभी अफजल सईद के घर जा रही हैं और वहाँ जाकर मेरी बहन की बेगुनाही को साबित करेंगी। मैं? हाँ हाँ। वैसे तुम वैसे हम अलग कौन? खोलो बेटा दरवाजा। चाची जान क्या हुआ तंगन? आपकी बात जरूरत है। ऐसे क्यों कर रही? तुम्हारी हालत? मैंने बहुत मुश्किल रात काटी। रात कितनी मुश्किल क्यों ना हो, कटी जाती है बेटा। अंडा, बिस्किट और चाय। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इसे मेरे सामने मत लाना। याद है, बिल्कुल याद है, मगर वो क्या है ना कि सारे प्रॉमिसेस सिर्फ दोस्ती के जमाने के। अब जंग है, जंग में सब जायज है, लड़ना लड़ाना, मरना मारना और फीकना भी। मैं सब बर्दाश्त नहीं करूंगी टीपू। हाँ तो चली जाओ यहाँ से। मैं जाने में नहीं, निकालने में माहिर हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं कौन किसको निकालता है। आ जाओ, एक बात याद रखना, बाहर बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होगी उनसे। कल से भूखी थी मैं। अभी आपके लिए लाया तो था, आपके नखरे खत्म नहीं होते, मैं क्या करूं? लाए थे खाने का तो नहीं बोला था ना? यार ये मुझसे कहावा कोई नहीं जाता, लाया था मींस दोनों के लिए लाया था, तुम भी खा लो। ना
वैसे एक बात कहूँ, तुम दुनिया की पहली औरत हो जो रोते बहुत खूबसूरत लगती है। कसम। चलो तुम्हें भाई से खाना खिला खिलाता हूँ, तैयार हो जाओ फटाफट। हेलो भाईजान। हाँ जी जी, बस मैं निकल रहा हूँ 5 मिनट। जी जी जी, बहुत ज़रूरी काम आ गया वरना मैं घर से नहीं जाता। जी भाईजान, का भी शाम में मुश्किल है, रात तक भी मुश्किल ही है। आपको मेरी बात समझ आ गई है ना? हाँ जी जी, आ गई है। भाईजान ने भी फजूल मुसीबत लाकर सर खड़ी कर, दोनों बच्चों का ख्याल आप नहीं रखना जैसे पहले रखते, और उस पर भी नजर रखिएगा, ठीक है? क्या बात है, असर लगाने का इरादा है। अच्छा लग रहा है। जानता हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं रिक्शे में नहीं जाऊंगी। जानता हूँ, इसीलिए गाड़ी मंगवाई है। सोच रहा हूँ अब ले ही लूँ, अकेला तो नहीं होना। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी लोगे? रंग तो मेरी पसंद का होगा ना? काला पीला। काला पीला? अरे वो तो टैक्सी का होता है। अरे मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। क्या बाइक? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बाइक पे नहीं जाऊंगी। क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? तुम्हें पता है बाइक तो आशिकों की सवारी है। वो मूवी नहीं देखी तुमने शबनम और नदीम की? वादा करो साजना जीवन की राह में। ऐसे एक बात बताऊं, तुम हंसते बहुत प्यारा। चलो भी पहले आप। Thank you.
अगर आप डिस्टर्ब हो रही हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ। हिसाब किताब का काम है, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही। उसकी क्या जरूरत थी? कुछ चाहिए आपको? फातिमा, मैं सख्ती लादू नहीं, हालात तो मुझे बना, कोई नहीं जानता कि मेरे साथ क्या। तुम भी नहीं जानते। जान ही नहीं सकता कि मेरे साथ क्या। मैंने जब उल्फत को पहली बार देखा तो उसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। मैं नहीं सुनना चाहती। तुम तो मेरी दास्तान सुनी? नहीं सुनना चाहती मैं आपकी दास्तान, क्योंकि इस दास्तान में नफरत के साथ उस औरत के लिए प्यार भी आएगा जो मैं नहीं सुन सकती। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान से किसी और औरत का नाम नहीं सुन सकती, क्योंकि मेरी मोहब्बत सिक्के शराकत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर... वो मोहब्बत जो मुझे आपसे हो गई है, जल्दी से फिनिश करो। वैसे भी फिर मेरे बेटे का स्कूल शुरू होने वाला है। मैं स्कूल नहीं पढ़ूंगा। भाभी, मैंने आपसे कल कहा था कि बच्चे से स्कूल जाने की बात ना करें, वो चिढ़ जाता है। मैं खुद समझाऊंगा ना उसे। आज लंच में क्या भेजूं? आप खाम खा में तकलीफ करती हैं। मैं बाहर से मंगा कुछ खा सकता हूँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं खाना चाहते तो वो और बात है। मैं वाकई नहीं खाना चाहता, और आज का खाना तो खास तौर पर, क्योंकि आज हम दोपहर का खाना बाहर खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, डिनर करके फिर वापस रात को खाएंगे। बाहर? जी, आप 1:30 बजे तैयार हो जाइएगा, मैं पिक करता हूँ। ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमें बच्चे को भी तैयार करूंगी। बच्चे नहीं जाएंगे, सिर्फ आप आएंगे। लेकिन बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते।
बच्चे अगली बार नहीं, बच्चे हर बार। क्या 5-5.5 लाख की बाइक? तो सेकंड हैंड भी ले लूं, 3-3.5 में आ जाएगी। इतने में तो नई गाड़ी आ जाएगी टीपू। अरे बेवकूफ लड़की, 250 cc की बात करूं, 250 की, 50 की नहीं कर रहा। और पता है मुझे शुरू से शौक था अभी बाइक का। हाँ तो ली क्यों नहीं? दो बार खरीदी है, दो बार। एक दफा एक्सीडेंट में बिल्कुल कुछ उम्र होगी और दूसरी दफा निकल गई। तो मैं क्या करूँ? क्या करना है, थोड़े से पैसे तुम डालो, कुछ मैं डालता हूँ। कुछ मतलब कितने? 1.5 लाख तो दो, दो मैं डाल लेता हूँ। हम गाड़ी ले लेते हैं ठीक है? नहीं, पहले बाइक लेते हैं, तुम्हें पीछे बिठाकर पूरा शहर घूमने। पता है टीपू का शुरू से ख्वाब था इतनी खूबसूरत बीवी को पीछे बिठाकर शहर का कोना कोना नापना। ठीक है, ये हुई ना पार वाली बात, मैं भी बात करके आता हूँ। अच्छा सुनो, पिज्जा लेते हुए आना, मेरे कुछ पकाने का मिल गया। जो हुक्म सरकार। आखिर तुम गई कहाँ थी? एक मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, सच्ची कसम ले लीजिए। बुरी तरह से तड़प के रो रही है, पता नहीं क्या हो गया इसे। मम्मा मैंने इसे पेंट चुकाई है। क्या? या अल्लाह, कहाँ से आपके पास ये पेंट? दिखाओ, लाओ मुझे दो पेंट। नहीं मैं नहीं दूंगा, और छुपाऊंगा। ला दो, ला मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई सच्चे से बात करने की? तुम्हें पता भी आखिर से किया क्या? अरे मुझे सब पता है, बच्ची लोन से। अकबर, मुझे पहले आप पे एतबार नहीं था। रुके, हेलो भाईजन, मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ आपकी सारी सच्चाई जान ले। सब मत करो अपना, तुम ऐसे ज्यादती कर रहे हो, मेरी हर बात को गलत रंग दे देते हो। तो शिकायत कर देना उनसे, जैसे उल्फत भाभी करती थी, थोड़ी सी सच्ची थोड़ी सी झूठी। उल्फत उल्फत उल्फत, कयामत का रोज बहुत अच्छा होगा अकमल। अल्लाह हर इंसान को उसके अमाल के हिसाब से जज करेगा। तुम जैसे इंसानों की तरह नहीं कि वो ऐसी थी तो ये भी ऐसी होंगी, और सजा सुना दो। इन्होंने ऐसा को थप्पड़ मारा है। मेरी जगह अगर ये होते तो दो मारते। आवाज ऊंची कर आप खुद को अच्छा नहीं साबित कर सकती हैं। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? तुम बताओ फातिमा। अरे इनसे क्या पूछने हैं, ये आपको कहां सच बताएंगी। मासी से पूछें, असद से पूछें। मासी को बोलो आप कहां जा रही हैं? घर की औरतों की सफाई मासियों से मांगने वाले मर्द ना तो खुद सुकून से रहते हैं और ना ही दूसरों को रहने देते हैं। और हाँ, मुझे सजा बाद में सुनाइएगा, पहले हफ्जा को डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि सेफ्टी पिन जंग आलूद थी। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका झगड़ा करने का मूड हो रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको, क्योंकि चेहरे की नाराजगी तो आपको दिखाई नहीं देती। मगर इस वक्त तो आपका चेहरा राजी होने का इशारा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, पहले तुमने सब कुछ खराब कर दिया, होटल बुक करवाया, पैसे दिए, कोई मजाक चल रहा। अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ 10 दिन के लिए, ठीक है? टीपू टीपू रुक जाओ। वैसे तुम वैसे हम अलग है। हनीमून हनीमून, शादी के 2 महीने बाद कौन जाता है हनीमून पे?
हम जाते हैं बेगम, हम जाते हैं। हाँ, पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। कब निकलना है? 3 दिन बाद शाम 6 बजे की फ्लाइट है, रेडी रहना। ओके, फ्लाइट यानी हम जहाज में जाएंगे। क्यों, तुमने पहले कभी जहाज में सफर नहीं किया क्या? नहीं, अरे मेरा मतलब है कभी कोई ऐसा सफर पड़ा ही नहीं। वैसे आपस की बात है, मैं भी पहली दफा सफर कर रहा हूँ। बंदे की टोर बन जाती है जब वो कहता है मेरी शाम की फ्लाइट है। शाम की फ्लाइट, और ये शॉपिंग भी तो करनी होगी ना। अब ये शॉपिंग वॉपिंग तो मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी। मेरे पास तो है। अच्छा, तो फिर ठीक है। देखो ना, आप कराची का जैसा भी मौसम हो, वहाँ पे तो ठंड होती होगी ना। ओए, मुझे तो अभी से ठंड लग रही, कसम से अभी से ठंड लग रही। तुम एक काम करो, मैं काम करो, तुम ये टिकट पकड़ो, मैं अपनी दुकान से। मुंह तो खाली करो, छींटे पड़ने। मैं माजर चाह अपनी तरफ से भी और अकमल की तरफ से। किसी को माजरत करने की जरूरत नहीं, सारे कसूर ही मेरे हैं। मैंने एक ऐसे शख्स से शादी की जिसे एक औरत ख्वार करके चली गई, और अब वो मुझे उस कसौटी पर रखता है, और उसे मुझ में सिवाय कोर्ट के कुछ नजर नहीं आता। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। माफी मांग रहा हूं ना, और अगर मैं माफी ना दूं तो मुझे 100 तरीके आते हैं मनाने, दिल दुखाने के। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका झगड़ा करने का मूड है? बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको, क्योंकि चेहरे की नाराजगी तो आपको दिखाई नहीं देती। मगर इस वक्त तो आपका चेहरा राजी होने का इशारा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, किसी चीज को भुलाने में बरसों लग, और अपनाने में पर मैं आपको दिल से अपना चुका हूं। मेरी खताओं को मेरी बेबसी समझ के दरगुजर कर ममनून हो, और जो मेरा दिल टूटेगा। अभी कुछ दिन पहले कोई मोहब्बत का दावा कर रहा था, जो लोग मोहब्बत करते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे आप कुछ। बच्चे माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह, और भाभी? वो भी थी, मगर क्या है ना कि ये गोरियां जो होती है ना, ये पटती आसानी से लेकिन पिटती नहीं है। आप मारते थे उन्हें? यार मारे बगैर गुजारा ही नहीं था। एक दिन मोहतरमा बॉयफ्रेंड को ले आई घर। I'm sorry, मैं क्या कहूँ? अरे यार, वो कौन सा बाज आई पिट के, कहने लगी तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड्स ले आओ। यार मर्दों को फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, मगर एक बीवी को अपनी इज्जत संभाल कर घर के अंदर बैठना चाहिए। अब हाँ, क्या कहूँ? तो बच्चे कहाँ होते हैं आपके? बच्चे हैं पाकिस्तान में, हैं दादी के पास, मतलब हैदराबाद। हैदराबाद? अच्छा, खैर तुम मेरा इंटरव्यू करते रहोगे या अपने बारे में भी कुछ बताओगे? मतलब कोई शादी वादी मंगनी शंगनी? यार वो मुझे ना कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। यार मुझे तो कोई इश्क वगैरह का चक्कर लगता है, तुमने धोखा दिया या वो निकल ली?
ऐसा कुछ नहीं, चलता हूँ। यार वैसे बात सुनो, तुम मुझे शक्ल से जो है ना वो नाकाम आशिक लगते हो, कसम से। अरे यार बिस्ती अब अकेले नहीं रहती। हाँ देखा मैंने, पर सवाल ये पैदा होता है कि इतना बूढ़ा चौकीदार रखवाली कैसे करता होगा। चल चल चल। भी हमारी शादी को दिन ही कितने हैं जो तुम मुझे ये खुशखबरी सुनाने बैठ गई हो। हाँ तो तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी। मैं खुद बच्चाऊं, मेरे खुद खेलने कूदने के दिन है, मैं कैसे बाप बन के बैठ। हाँ तो ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। सोचा तो अब भी जा सकता। देखो एक बात तो तय है, 4-5 साल तक तो मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। बल्कि एक काम करो, डॉक्टर के पास चलो, उनको चेक करो और खलास। खलास? नहीं टीपू, इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसमें हिम्मत नहीं है एक बार फिर ये सब सहने की। मैं क्या मतलब एक बार फिर? ओहो याद आया याद आया याद आया, कोई पुराना तजुर्बा याद आ गया। अभी एक काम करो, उठो और चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। उठो। मैं कह रहा हूं उठो चलो। वजह 2-3 साल बाद सोचेंगे। अगला बच्चा 3 साल बाद कर लेना। आपसे मशवरा नहीं मांगा, अभी बस इससे जान छुड़वानी है। आराम से, डॉक्टर है। सॉरी। एज यू विश, मगर पहले बच्चे के साथ ऐसे रिस्क नहीं लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। आप देखें आपकी मिसिस कितना डरी हुई है। अबे इसका कौन सा पहला बच्चा है, पता नहीं पिछले खावन से कितने बच्चे कर चुकी है। अच्छा आपके पहले भी बच्चे हैं? जी 3 नहीं 2। आपको सही तादाद भी मालूम नहीं बीबी? हाँ वो मिसकैरेज हो गया था ना। रीजन? वो मैं अबॉर्ट करा लिया था। आप रो क्यों रही हैं? पिछली बार भी बहुत तकलीफ हुई थी, इस बार ये हो भी नहीं सकता। ये दवाइयां इस्तेमाल करें और कंप्लीट बेड रेस्ट करें। सीढ़ियाँ चढ़ने हो तो नहीं सिर्फ रेस्ट करें। लो लो कौन सा बेड रेस्ट, कल शाम में हमारी फ्लाइट है हनीमून की। पहली लकीर, जब आपने मुझे किसी दूसरे के अमल की रोशनी में जांचा है। दूसरी, जब आपने मेरी एक ना सुनी। तीसरी, जब आपने मेरे आंसू से नजर चुराई, मेरी सच्चाई को शक की निगाह से देखा। और जब उस रात मैं अपनी इज्जत के खौफ से लरस रही थी, और जब आज उन लड़कों ने मेरा रास्ता रोका, और एक दिन आएगा सर जब ये लकीरें आपके चेहरे को गायब कर देंगी।
दीपू मेरी बात सुनो, दीपू रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे साल में छोड़ के, मैं अकेले कैसे रहूंगी, मैं नहीं रह सकती, मत जाओ ना। तुम्हें किसी ने क्या कहना है, और वैसे भी कोई छोटी नौ उम्र लड़की मुझसे बात करती तो समझ भी आता, पर प्लीज यार बार बार टोक कर मेरा मजा खराब करने की जरूरत नहीं। पहले तुमने सब कुछ खराब कर दिया, होटल बुक करवाया, पैसे दिए, कोई मजाक चल रहा। अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ 10 दिन के लिए, ठीक है? दीपू, दीपू रुक जाओ। हाँ याद आया, बाइक का ख्याल रखना, उस पर कपड़ा दे देना, धूप में उसका रंग खराब ना हो, ठीक है? ओके बाय, टाटा टाटा। तुम आज घर पर ही रहना, तुम्हारी भाभी को अकेला नहीं छोड़ सकता। कौशल को भी फोन करके कह देता हूँ कि उल्फत के साथ ही रहे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सही है, सही। ओके ओके। मैं किसी से नहीं डरती, मगर मैं डरता हूँ तुम्हारे हवाले से, मैं हवा से भी डरता हूँ। मुझे अम्मी के घर जाना है। अभी सुबह के 7 बजे? हाँ, जो हुक्म सरकार। तुम्हें कहाँ ढूंढूं तमकिनत, तुम तक पहुंचना इतना मुश्किल भी नहीं है, मगर कहूंगी क्या? ये किसका नंबर है? हेलो हेलो कौसर, कौन? मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी आवाज नहीं पहचानते आप? हेलो कौन सा फोन बंद हो गया था? कितनी अजियत और बेबसी महसूस होती है ना जब आपका मतलूबा नंबर बंद होता है।
यही अजियत और बेबसी ना जाने में दिन में कितनी बार सहती हूँ। तमकिनत का नंबर उस दिन से अभी तक बंद है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका नाम मेरे सामने मत लेना। मैंने भी आपसे कहा था कि आप मेरे कोई नहीं है। तुम एक गैर लड़की के लिए अपने भाई को छोड़ने की बात कर रही हो? गैर क्यों? आप बोल रहे हैं कि आपने उससे निकाह किया था। छोड़ दिया उसे, हो गई वो गैर। तो मुझे भी गैरी समझिए। जमीर की एक अदालत होती है जो मुझे कहती है मैं मुजरिम हूँ, ना चाहते हुए भी ज्यादती की हिस्सेदार। खुदा हाफिज। माफी का वक्त गुजर चुका। लेकिन तौबा का तो नहीं गुजरा ना। किस किस बात की तौबा करेंगे? हर उस बात की तौबा करूंगा जिसकी वजह से मैंने आपका दिल तोड़ा है, तो कभी नहीं करूंगा। नहीं, तुम तो मेरी जगह कोई भी होता तो रुफत भाभी की बातों में आ जाता। मैं आइंदा नहीं करूंगा, माफी मांग रहा हूँ ना। कल को कोई कुछ भी आके कहता, नहीं मैं ये ऐसी बार बार नहीं झेल सकता। मैं कसम खाता हूँ। अरे सुन रहे हैं आप अपने बेटे की फरमाइश? इसमें ऊंट चाहिए, वो भी असली वाला जो क्लिफ्टन में होता है। अच्छा ऊंट रहेगा कहाँ? हमारे कमरे में। हमारे कमरे में? तो बेटा जी हम कहाँ जाएंगे? असल मम्मा आप आ गए। आप तो नहीं जाएंगे ना? कब? क्या हुआ? सब खैर है ना? जिस आदमी की जिंदगी में ऐसी मनहूस औरत आ जाए उसकी जिंदगी में खैर कैसे हो सकती है? आग लग गई है मेरी दुकान को, आग। मैं असर की मनकुआ हूँ, आप कैसे मेरी तस्वीरें किसी को दिखा सकती हैं? सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, खुलाकर नोटिस भी भिजवा रही हूँ। कभी नहीं आएगा वो वापस। दीपू छोड़ो मुझे। बताती है गला दबा। मैंने कहा छोड़ो। वैसे नहीं बताती।